हेलो, तो आज पहले हम बात करेंगे कि मार्केट में क्या काम करता है, कौन सा एनालिसिस है जो काम करता है, और फिर बात करेंगे कि आज के लिए, फ्राइडे के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आपके पास। तो अगर मैं बात करूं क्या एनालिसिस काम करता है, तो मार्केट को बिल्कुल सिंपल एनालिसिस समझ आता है। तो मुझे तो 10 सालों में यही सीखने को मिला कि मार्केट में जो एनालिसिस काम करता है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है उसको। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो कल अगर आपने देखा होगा जब मार्केट यहाँ से गिर रही थी, तो ये एक दिन पहले का डे लो था। तो ये लो था नियरली अराउंड 63 के आसपास। तो हमने टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि अगर कल का डे लो ब्रेक हो गया, जब यहाँ पे डे लो ब्रेक हुआ, तो उसके बाद मार्केट ने नियरली अराउंड यहाँ पे आई थी ये 70 के आसपास, 18,070। अब 163 से 70 तक, इट मींस टोटल 100 पॉइंट्स का फॉल। अब आप ये सोचो कि अगर आपने ऑप्शंस में पुट बाय की होती यहाँ पे, तो आपको कितना टारगेट मिलता? नियरली अराउंड 40 पॉइंट्स का, 40 to 45 पॉइंट्स का टारगेट मिल जाता आपको पुट में। तो दैट इज मोर देन इनफ। एक्सपायरी वाले दिन उस पुट का प्राइस कितना होना था? डेफिनेटली वो पुट नियरली अराउंड आपको 70 to 80% रिटर्न दे रहे थे। अब आप इसको कॉम्प्लिकेटेड कर लोगे ये भी वो भी, तो कोई फायदा नहीं होने वाला। चलिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल भी दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने दिया था इसको। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ निफ्टी ब्रोक यस्टरडेज डे लो, तो हमें मिनिमम 50 पॉइंट का फॉल मिलेगा। हमें कितना मिला? अराउंड 80 to 90 पॉइंट्स का फॉल। और मैंने क्या कहा था, 18,150 की जो पुट है वो आपको नियरली अराउंड 27 पॉइंट्स का टारगेट दे देगी, एंड इसने दिए होंगे अराउंड 40 पॉइंट्स। तो ये सिंपल एनालिसिस था। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप बहुत कुछ चीजों के पीछे, एक हमने ये पुट भी दी थी जो थोड़ी सी फास्ट निकली और इसने काफी अच्छा फॉल दिया। एक सेकेंड, हमने एक पुट दी थी ये वाली, यहाँ पे ये 42,600 की पुट बाय करने के लिए दी थी अराउंड 135 के आसपास, 170, 205 में। ये थोड़ी ज्यादा क्विक निकली, मार्केट भी कुछ लोग ना भी ले पाए हो क्योंकि मार्केट बहुत अच्छे से फॉल हुआ। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि आप कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस के पीछे मत भागिए, आप पहले सिंपल एनालिसिस सीखिए। ये देखिए कि वो कौन सा एनालिसिस है सिंपल जिससे आपको पैसा आएगा, उसके बाद सीखते रहिए। एक बार पैसा आना शुरू हो गया, फिर साइड बाय साइड सीखते रहिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड भी, लेकिन सिंपल चीजें ही आपको पैसा बना के देंगी। तो चलिए बात करते हैं कि आज की कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो अब अगर देखेंगे मार्केट इस पोर्ट एरिया के आसपास आ चुकी है, आप देख सकते हैं ये वाला लेवल, ये यहाँ से ये दो तीन यहाँ पे, तो मींस ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे मार्केट आ चुकी है, इसीलिए मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ से बाउंस दिया, मतलब यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की। अब अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगी, तो उसके बाद सबसे जो अच्छा लेवल मार्केट के पास आएगा वो है नियरली अराउंड यहाँ पे 17,600 के आसपास। उसके बाद लेकिन एक और लेवल भी आएगा, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक तो ये लेवल हो गया, आप इसको परफेक्टली अपने अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं। उसके बाद आएगा हमारे पास ये वाला लेवल नियरली अराउंड 18,000 का, और उसके बाद फिर हमारे पास काफी अच्छा फॉल देखने के लिए मिल सकता है और मार्केट आ सकती है अराउंड 17,600 समथिंग हम देख रहे थे ये वाला लेवल। अब इसकी जरूरत नहीं है, अभी इसकी बात नहीं करेंगे आज के लिए। तो ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऊपर वाली साइड देखूं तो ये जो स्विंग लो बना है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, विच इज नियरली अराउंड 136, ये वाला स्विंग आई, ये वाला 184 के आसपास। तो आज का मेरा ट्रेड प्लान क्या होगा? पहले तो एटलीस्ट हमें देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट इस जो सपोर्ट वाला लेवल है इसको सस्टेन करती है। अगर मार्केट ने इस लेवल को सस्टेन किया और इसके ऊपर रही थोड़ा टाइम, तो हो सकता है शायद मार्केट यहां से लेके यहां तक ही आपको अप मूव दे दे। और अगर मार्केट ने ओवरऑल ट्रेंड ऊपर का करना हुआ, तो वो मार्केट वन इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, तो जो एक आपके पास अच्छी बाइंग बनेगी वो बनेगी इस लेवल के आसपास। अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ से ऊपर निकली, तो यहाँ से आपका एक बाय का प्लान बनेगा। और अगर मार्केट ने कहीं इस लेवल से नीचे सस्टेन किया और कल के डे लो को ब्रेक किया, फिर आपको 18,000 का लेवल देखने के लिए मिल ही जाएगा, मे भी हो सकता है आज ही मिल जाए। तो अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया और 18,000 तक आ सकती है, चांसेस आर वेरी हाई। अब आप देखिए यहाँ पे राउंड इसका जो आज का कल का लो था वो था 80 के आसपास और 18,000, तो 80 पॉइंट्स का मूव होगा, दैट इज मोर देन इनफ। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो 80 पॉइंट्स इज मोर देन इनफ। आपका स्टॉप लॉस कितना होगा? हार्डली यहाँ से 20 पॉइंट्स का, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस देखिए। अगर आप 80 पॉइंट ले रहे हैं 1:4, दैट इज अ वेरी गुड डील, नो डाउट। तो ये इसका ट्रेड प्लान होगा। अब अगर 18,000 ब्रेक हुआ, जिसके मुझे आज टूटने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर मार्केट ने 18,000 ब्रेक किया,
तो आपको एक बहुत ही जबरदस्त फॉल देखने के लिए मिलेगा नियरली अराउंड 400 पॉइंट्स का। लेकिन कहीं अगर आज मार्केट ने यहाँ से यू टर्न मार लिया, क्योंकि आज का डे थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा फ्राइडे वाला डे एक डिसाइडिंग डे होता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि थर्सडे को क्या होता है कि एक्सपायरी वाले दिन उनको प्रीमियम खाने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट हो जाती है। लेकिन फ्राइडे एक डिसाइडिंग डे होता है कि मार्केट कहाँ जाने वाली है। तो अगर मार्केट ने कहीं इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर दिया, चलना शुरू होगी, तो हो सकता है मेरे लिए एक रिवर्सल पॉइंट। तो हमें देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में कि मार्केट ऊपर जाएगी यहाँ से या फिर 18,000 ब्रेक होगी। अगर 18,000 ब्रेक हुई तो आप एक स्विंग ट्रेडिंग में भी पुट को होल्ड करके जा सकते हैं, आपको अच्छा खासा पैसा बनेगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या चल रहा है। तो ऑप्शन चेन अगर आप देखेंगे निफ्टी की, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है, यहाँ पे हल्की सी अनवाइंडिंग है, ये हल्की सी अनवाइंडिंग है, क्योंकि 6,29,00 अभी भी है। तो यहाँ पे बिल्डअप है, यहाँ पे भी बिल्डअप है, और इस साइड थोड़ा सा ज्यादा बिल्डअप है, कहीं ना कहीं 44 लाख है यहाँ पे, यहाँ पे भी है 16 लाख का, और यहाँ पे कितना है 13 लाख। तो कहीं ना कहीं पुट कॉल साइड थोड़ा सा बिल्डअप ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू पुट साइड। तो ऑप्शन चेन स्लाइटली बेरिश है, तो स्लाइटली बेरिश ही कह सकता हूँ, कोई पूरा पक्का ट्रेंड नहीं बता सकता आपको, क्योंकि अभी आज ऑप्शन चेन स्टार्ट होगी, जब आज स्टार्ट होगी तो उसके अकॉर्डिंग, ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए, जो हम भी एनालिसिस डिस्कस करते हैं प्राइस एक्शन पे, वो भी बिल्कुल सिंपल है। अब आप कहेंगे यार ये तो सिंपल सा एनालिसिस है, ये क्या काम करेगा, सिंपल चीजें ही काम करती है। तो चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप पेशेंस रख सकते हैं, तो आपको एक पैसा बनाने वाला ट्रेड बता सकता हूँ मैं, ये मेरा एक बहुत ही ज्यादा फेवरेट लेवल है, विच इज नियरली अराउंड 41,800 to 850 के आसपास है। आप इसको डायरेक्टली मार्क कर लेना अपने अकॉर्डिंग। तो ये इसका लाइफ टाइम हाई था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब फर्स्ट टाइम मार्केट इसको रीटेस्ट करने आ रहा है, अगर मार्केट यहाँ पे आया तो आप आराम से कॉल बाय कीजिए और उसका टारगेट लगा दीजिए अराउंड 30 to 50%। 50% तो पक्का ही आ जाएगा इजिली, बस आपको क्या करना है, बाय करना है। अगर मान लीजिए 200 रुपए की कॉल है तो आपका 100 पॉइंट्स का टारगेट, अगर 100 पॉइंट्स की कॉल है तो 50 पॉइंट्स का टारगेट, आराम से लगा के बैठ जाना, मैक्सिमम चांसेस आर देयर कि यहाँ पे हिट होगा मैक्सिमम। तो ये मेरा फेवरेट लेवल, मैं काफी टाइम से इसकी वेट कर रहा हूँ, आपको बता दिया, तो आप ट्रेड कर सकते हैं कभी भी आ जाए, आज कल परसों 10 दिन में जब भी आएगा तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया हमारे पास लेवल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अभी अगर मैं इसके आसपास देखूँ तो कुछ खास लेवल तो देखो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं मार्क करने की कोशिश करूँ, एक तो ये लेवल हो जाएगा जो इवन कल का डे लो है, एक मेरे पास ये एक स्विंग हाई सा छोटा सा है, इसको मार्क कर लिया मैंने, इससे ऊपर जो कल का डे हाई है वो मार्क कर लेते हैं। तो अब देखते हैं आज का ट्रेड प्लान क्या होगा हमारा। कहीं ना कहीं मार्केट इस एरिया में स्टक है, इन दो लेवल्स के बीच में। अगर कहीं मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया 42,200 के आसपास, जो हमारा लेवल पहले भी बात कर रहे थे हम, तो मेरे पास टारगेट होगा 42,000 का, ये वाला नहीं है, बीच में 42,000 का एक राउंड ऑफ नंबर आएगा आपको पता है। तो यहाँ से अगर मार्केट ने ब्रेक किया कल का डे लो, तो आपको 42,000 तक का टारगेट मिलेगा, मींस नियरली अराउंड 200 पॉइंट्स। अगर ऑप्शंस की बात करूँ एटीएम की, तो उसमें अराउंड 100 पॉइंट्स हाफ होते हैं नियरली अराउंड एटीएम के ऑप्शन में, तो 100 पॉइंट्स का टारगेट, दैट इज अ गुड टारगेट इन ऑप्शंस। अगर 42,000 ब्रेक हुआ, फिर आपको ये वाला लेवल देखने के लिए मिल सकता है नियरली अराउंड 850, मीन्स 150 पॉइंट का अनदर फॉल। तो यहाँ पे मैं एटलीस्ट कोशिश करता हूँ जनरली कि बुक कर लूँ एक बार प्रॉफिट, एक बार पैसे अंदर आ गए, उसके बाद जब अगर 42,000 का ब्रेक करेगा तो मैं एक फ्रेश ट्रेड लूंगा, फ्रेश माइंडसेट के साथ, फ्रेश स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि अगर आप यहाँ पे होल्ड कर लेते हो ना, यहाँ से बाउंस आएगा तो आप देखते रहोगे कोई बात नहीं प्रॉफिट में है, प्रॉफिट में है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि पूरा प्रॉफिट चला जाता है। तो आप पहले बुक करना सीखो, यहाँ पे लिया, यहाँ पे बुक कर लिया, तो अगर ब्रेक करेगा तो हम दोबारा एंट्री कर लेंगे, क्या होगा 50 रुपीज ही पड़ेंगे, लेकिन वो प्रॉफिट तो मिस नहीं होगा। लेकिन अगर ब्रेक नहीं किया ऊपर चला गया तो दैट्स ऑल सिंपल। अगर मैं बात करूं अपसाइड की, तो मेरे पास ज्यादा कन्विक्शन आएगी अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो, या फिर इस लेवल के पास अगर ऊपर सस्टेन करे तो भी आप बाय का प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा अच्छा ट्रेड बनेगा। या फिर आप इसको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी मार्क कर सकते हैं, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो आप बाय कर सकते हैं। हाँ, इसके ऊपर अगर निकला तो फिर आपको 200 to 300 पॉइंट्स का आपको भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ये भी एक सिंपल एनालिसिस है, लेवल्स में आके देखा कहाँ पे ब्रेकआउट होगा क्या होगा, दैट्स वेरी सिंपल एनालिसिस। आपको जस्ट यही इसको आपको पता होना चाहिए कि ब्रेकआउट होता क्या है। अब यहाँ पे मैंने बता दिया ब्रेकआउट ट्रेड लेना है, तो ब्रेकआउट डज नॉट मीन कि प्राइस इससे थोड़ा सा नीचे आएगा तो ब्रेकआउट होगा, नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि ब्रेकआउट कब होता है, कौन सी कैंडल आपको परफेक्टली बताएगी कि हम ब्रेकआउट हो गया,
फिर आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब और ज्यादा सीखने की बजाय आप फोकस कीजिए ब्रेकआउट कब क्लियर हो जाता है कि हाँ ब्रेकआउट हो गया और कहाँ पे आपको एंट्री करनी है, बिकॉज एंट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए अब ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन भी ऑलमोस्ट सेम ही है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉल राइटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू पुट राइटर्स, अदरवाइज कोई ज्यादा क्लियर डायरेक्शन नहीं है। जनरली ऐसे होता है थर्सडे को ऑप्शन चेंज, जो फ्राइडे की होती है ऐसी होती है, क्योंकि अभी ये स्टार्ट नहीं हुई, आज ये परफेक्टली स्टार्ट होगी तो आज से भी अपना एक परफेक्ट व्यू देना स्टार्ट करेगी, तो अभी के लिए कुछ ज्यादा क्लियर व्यू नहीं है। तो आज आप अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड आप देख सकते हैं कि हाँ कहाँ पे मार्केट जा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि वीकेंड पे आपके लिए कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।